चकर नौकर के आगे चाकर, चाकर के पीछे नौकर। बापड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। चाकर के पीछे नौकर, नौकर के आगे चाकर। नौकर नहीं चाकर, नौकर के आगे चाकर। है जिंदा है, लगता है सारी रात यहीं पड़ा सोता रहा है क्या? अरे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, गूंगा है क्या? कुछ तो बोल। ओ, मैं गूंगा तो नहीं। जा अपने घर जा। अरे पुलिस वाले आ जाएंगे तो थाने में डाले देंगे और ये तरह सारा नशा है ना, ये सब हिरन हो जाएगा। हाँ ओ, देखे ओ, आप जानती है मेरा घर कहाँ है? आई तो क्या मैं डाकखाने में काम करती हूँ? नहीं, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? मेरा मतलब है, मेरा नाम जानती हैं आप? आए हाय, ये झाड़ू देखिए ना, झाड़ू की इस तरफ से मैं दिमाग की सफाई करती हूँ। देखे मैं आपसे सही कह रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। वो सामने कमेटी का नलका लगा है ना, वो दिख रहा है ना नलका, वहाँ जा मुंह धो ताकि तेरा नशा हिरन हो। मैं कौन हूँ, उठ चल। मैं उठ जाऊँ? भाई साहब बात सुने, देखे आप मेरी कुछ मदद करेंगे? क्या मदद करूं? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता आप कौन है? आपको मालूम है मेरा घर कहाँ है? क्या जा अपना काम कर, मुझे क्या पता आप कौन है? आपको नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ? What can I do for you? तभी इससे गुफ्तगू कीजिए, आप जानती नहीं है हम कौन बोल रहे हैं। हम इतना बड़ा आदमी है कि अगर हमने आपको बता दिया कि हम कौन बोल रहे हैं तो आपके पैर के नीचे से कारपेट खिसक जाएगा। यस जी, हम मिस घर के मुलाजिम बोल रहे हैं। जी जी बेगम साहब, सॉरी। नहीं जी, हम नवाब कहाँ हैं, हमारे दादे परदादे थे नवाब, उनके करतूतों की वजह से आज हमें नौकरी करनी पड़ रही है। जी अब आप फरमाइए। नवाब साहब एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ देखिए बेगम साहिबा, अगर आप कोई खास हस्ती हैं तो नवाब साहब हैं, और अगर आप कोई अहम ही हैं तो नवाब साहब नहीं है। आपके मुंह पे बोल रहा हूँ जी। जी बेगम साहिबा भी हैं। क्या 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 क्या, यानी मैं नवाब साहब को ऐसे बुलवा दूं कि बेगम साहिबा को पता ना चले? ये लंबा कैसे? देखिए ये मुमकिन नहीं है खातून, इसलिए कि आप हमारी बेगम साहिबा को जानती नहीं है। उनकी चील की आंख और चींटी की नाक है, बात बाद में होती है और पता उनको पहले चल जाता है। जी अच्छा, खैर काफी डिटेल हो गई।
आप जरा अपना इंट्रोडक्शन तो कराइए, आपका नाम क्या है? आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने आपसे आपकी उम्र पूछ ली है, मत बताइए। लेकिन हम बहुत समझदार आदमी, हम समझ गए आप कौन हैं। आप हमारी, मेरा मतलब है हमारी होने वाली दूसरी बेगम साहिबा हैं जी, हमारे साहब की मल्टी वाइटामिन। कौन है? अभी एक मिनट बात कर रहा हूँ। तो मैं हम पूछ रहे हैं कौन है। सरकार वैसे मुंह मेरा बहुत बड़ा है, बात छोटी है, इस उम्र में ये हरकतें जेब नहीं देती हैं आपको। गुस्सा जरा हलो कीजिए, दूसरी तरफ की आवाज सुन के आपके तासुरात बदल जाएंगे। हेलो, हम नवाब बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमीदा रिश्ता बोलिए, वो बता कर मौजूद है। ये मैं बता चुका हूँ। चलो चले इधर से, चल दबा जा। चलिए चलिए, तमीज से बात कीजिए सर। क्या मुंह उठाए खड़ा, चलो तमीज से बात कीजिए। मैं आपका नौकर हूँ, आपकी औलाद नहीं हूँ जो आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अगर मैं अपनी पे आ गया तो इस घर में आपकी वो बेइज्जती करवाऊंगा जो जिंदगी भर याद रखेंगे। बख्शिश दीजिए तो जाऊंगा। बख्शिश ले ले, ले ले इधर, बख्शिश ले ले उधर, उधर तेरी बख्शिश नहीं हो। अरे उधर की बख्शिश की परवाह होती तो आज आदमी इंसान ना होता। पैसे दीजिए, पैसे ले ले। इस महंगाई में सिर्फ 10 रुपए। I think you are running short of money, sir. मेरा मतलब है आपके हालात कुछ दिगर गु हैं, पकड़िए। सरकार बरसों आपका नमक खाया है जबरदस्ती, ये कुछ पैसे मेरे पास हैं, ये रख लीजिए। और सरकार घबराइएगा नहीं, जब जरूरत हो मांग लीजिएगा। ऐसा मुलाजिम, ऐसा घटिया मुलाजिम तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। मेरा माल मुझे दो ना। जी तो हमीदा बेगम, वक्त मिल गया आपको टेलीफोन करने का। क्या? मेरा मतलब है आपने वो एक बड़ी मिसाल है तो पुरानी, लेकिन आपने शायद सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रूप पैया। मैं समझ गई हूँ सब कुछ। देर में समझती हैं। तू तो रुपये के बगैर चलता ही नहीं। ये ले और मुझे जल्दी बता कि बात क्या है। बेगम साहेबा, रुपये में पैया आता है और उस पैये के बगैर इस दुनिया का कोई पैया नहीं चलता। अच्छा तू छोड़ पैये को, मुझे बता बात क्या है, जल्दी बता। खैर ये तो बहुत कम है जितना बड़ा वाकया हुआ है उस हिसाब से, लेकिन खैर। बेगम साहिबा ये बताइए, हाँ? आपके बाप को मरे हुए कितना अरसा हो गया? काफी अरसा हो गया है। और माँ को मरे? उनको भी काफी अरसा हो गया है। भाई बहन आप पे थूकते नहीं है क्या? मेरा मतलब है उन्होंने आपसे ताल्लुकात तोड़ लिए। हाँ? क्या बात है? बेगम साहिबा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आपको इस घर से निकाला जाएगा तो आप कहाँ रहेंगी? तू क्या बकवास पके जा रहा है, मुझे बता था क्यों नहीं, बात क्या है? खुदा के वास्ते मुझे बता बात क्या है। बेगम साहिबा मैं इतना टेंशन में हूँ कि मैं आपके पास 100 रुपए होंगे और तू मुझे बात बता। खैर चलिए मैं बता देता हूँ। बेगम साहिबा, हाँ? मैंने इस घर में बड़ी जूतियां खाई, बड़ी गालियां खाई, लेकिन मेरा जर्फ देखिए, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। लेकिन इस बात को कैसे भूल जाऊं कि नवाब साहब ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? दूसरी शादी? ये बुड्ढा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं उसको देखूंगी दूसरी शादी। कहाँ हुई है ये शादी? फोन पे। किसने तय की है ये शादी? फोन पे। और वो कहाँ है? फोन पे। खुदाया मैं तेरे साहब को पूछ रही हूँ।
अल्लाह तौबा तौबा, दोनों इस वक्त फोन पर बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे आर टॉकिंग समथिंग रोमांटिक। क्या तो क्या? मेरा मतलब है वो कोई प्यार मोहब्बत की ही बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बेगम साहिबा, आप जैसी शरीफ खातून का ये फर्ज है कि ऐसे बद किरदार आदमी को जूते मार के घर से अगर निकाल सकती है तो निकाल दे। और तू ये डायलॉग बंद कर, तू देख उसी में आ, तेरे नवाब को करती क्या हूँ। चलिए चलिए अरे आपकी जान की कसम, आपकी सुरीली आवाज सुने हुए बहुत अरसा हो गया था। आपकी जान की कसम क्यों खाता हूँ भाई? आपकी जान की कसम इसलिए खाता हूँ कि आपकी जान तो मैं हूं ना, तो जो होगा मुझे होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इधर बेटी की शादी हुई, उधर मैं आपको यहाँ ले आया। हाँ, इस हवेली में बीवी बनाकर नहीं बल्कि इस हवेली की मालिक बना, यानी आप इस घर की भी मालिक होगी, घर वाले की भी मालिक होगी। अरे क्या बताऊं, मैं तो इस बला को कब का छोड़ चुका होता, मगर क्या करूं, हक महर बहुत ज्यादा है और वो भी मुअज्जल। सब तो अल्लाह भैया से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला या तो इस बला को उठा ले या मुझे कहीं। किससे बातें कर रहे हो तुम, तो मुझे भी दिखाओ। हेलो हेलो, अरे अरे बोलती क्यों नहीं कल मुनी? अरे तुझे क्यों साथ छूं गया है, हैं? क्यों नहीं बोलती? अरे मैं तो तेरा कलेजा कच्चा चबा के खा जाऊंगी। अरे बोलती क्यों नहीं, बोल ना, आप साथ छूं गया है, बोल। हेलो हेलो, ये किससे बातें कर रहे थे? हाँ, अरे भाई वो मिस्कीन टीन डब्बे वाला था, टीन डब्बे की नई फैक्ट्री डालना चाहता है, उस सिलसिले में बात हो रही थी उससे। नई फैक्ट्री से? तुम्हारी जान की कसम बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो देखो, तुम मेरी जान की कसम मत खाया करो। अरे तुम्हारी जान की कसम तो इसलिए खाता हूँ पगली कि तुम्हारी जान तो मैं हूँ ना, जो होगा मुझे। बस बस करो बस करो, ये बातें मैंने तुमको कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो, कुछ शर्म करो। अरे जवान बेटी घर में बैठी है, उसके सोचो कुछ थोड़ा सा, ये हर वक्त तुम्हें अपनी शादी की क्यों पड़ी रहती है? मैं जो मेरे बस में है वही तो कर सकता हूँ ना। देखो देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं वरना तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। ये नहीं, मैं तुम्हारा टेट क्या हो रहा है, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त लड़ाई। शुक्र है बेटी तू आ गई, लोगों ने सही कहा है कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। बेटा मुझे तू बता, ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तू पढ़ रही है, ये तेरी पढ़ाई हमारे किस दिन काम आएगी? तो अम्मी इससे पढ़ाई का क्या ताल्लुक? बेटा अपने बाप को अकल दे, समझाए थे? अम्मी आप तो खामा खा मेरे अब्बू के पीछे लगी रहती हैं, क्या हुआ? इतने अच्छे तो हैं मेरे अब्बू जान। अरे इतने अच्छे तो हैं मेरे अब्बू जान, करेगी ना बाप के साइड की बात, बाप की चमची। अम्मी अब छोड़े ये लड़ाई झगड़ा। और अब्बू, मैंने कितनी दफा आपसे मना किया, आपने फिर ये गाउन पहना। वो तो बेटी क्या हुआ, अब ये गाउन, ये सामान, ये कोठी, सब कुछ अपना है, मालिक तो कब का मर खप चुका। लेकिन अब्बू आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सेठ का एक बेटा भी है। बेटा वो पता नहीं लंदन में है या नहीं है, मर गया। अरे खुदा का खौफ करो, अल्लाह के वास्ते कैसी बातें कर रहे हो तुम, अमानत को अमानत समझो, नौकर बनकर आए थे मालिक बन बैठे। देख 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 देख, कई मरतबा तुमसे कहा कि ये मनु जुमला मत कहा करो मुझे, अब ये सब कुछ अपना है। हाँ हमारे माँ बाप ने हमारा नाम नवाब वैसे ही रखा, कुछ सोच कर रखा था, उन्हें पता था एक दिन नवाब बनेगा, तो बन गए। लेकिन अब्बू अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये अमानत अब उस मरहूम के बेटे की है। तो दोस्तों ने सही कहा था कि आजकल की पढ़ाई घाटे का सौदा है। पढ़ाई से पहले तो कहा करती थी अब्बा मैं बेलौस खिदमत करूंगी, अब लॉस ही लॉस की बात कर रही। अरे लगता है तेरी पढ़ाई मुझे फुटपाथ पे पहुंचाएगी। कुछ भी हो अब्बू, आप सेठ साहब के बेटे का पता चलाए और ये अमानत उसको वापस करें। अरे मत कर, मत बोल ऐसी बातें, मत कर, तुझे दस मरतबा कहा के देख, अगर ऐसी बातें सुनकर मुझे दिल का दौरा पड़ गया तो और खर्चा हो जाएगा। संभाले आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। अरे तुम क्या देख रही हो, मेरा मुंह जाके पानी का एक गिलास लाओ। अरे जा, अमानत की बात आई, दौरा पड़ गया। अरे बेटी जा जा, बाप के लिए पानी लेकर आ।
भाई साहब। क्या है भाई? देखें, मुझे भूख लग रही है। तुझे भूख लग रही है? अब थोड़ी देर बाद तू कहेगा कि मेरा पूरा खानदान वहाँ रेलवे स्टेशन पे बैठा है, हमारी जेब कट गई है, हमारे पास पैसा नहीं है। या फिर तू दवा की पर्ची निकाल के देगा कि ये दवाइयाँ दिलवा दीजिए। अबे ये ड्रामे रोज देखता हूँ मैं। देखें, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अबे अजीब जाहिल आदमी टकरा, अबे कुछ मुंह से फूटेगा भी। देखें, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे अम्मी अबू कहाँ हैं? जी मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि तुझे ये नहीं मालूम कि तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे माँ बाप कौन है और तेरा नाम क्या है? जी हाँ, जी जी नहीं। अरे सरकार, मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन हैं। भाई जरा लाना कुछ खाने को, सालन लेके आना यार। हाँ सरकार, आप शुक्रिया, ये लीजिए खाइए सरकार। ये मैं खाऊं? खाइए आप। नहीं सरकार, सरकार आप इतने बड़े आदमी हैं, रोटी से खाइए सरकार। ये रोटी है? हाँ। तो सरकार, आपको ये नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? जी लॉटरी लॉटरी। हाँ लॉटरी। खैर आप ये नहीं समझेंगे सरकार, आपने मुझे पहचाना? आपने मुझे पहचाना? इधर देख के बात कीजिए सरकार, मुझे पहचाना? जी अभी जी नहीं। नहीं पहचाना ना? नहीं। सरकार मैं आपका खानदानी मुलाजिम हूँ, खादिम, और आप हमारे छोटे नवाब हैं, करोड़ों की जायदाद के मालिक, जिसके ऊपर आजकल एक लालची नवाब ने कब्जा किया हुआ है। आपको कुछ नहीं पता? देखें, मतलब ये कि आप मेरे खादिम हैं। हाँ। और मैं क्या हूँ? आप हैं छोटे नवाब। मैं छोटे नवाब हूँ? वैसे सरकार, हम सब आपसे बहुत नाराज हैं सरकार, आप हमको छोड़ के चले गए थे सरकार, और सरकार अब आपको वापस घर चलना ही होगा सरकार, मैं आपको घर लेके चलूंगा सरकार। देखें आप मतलब मेरा घर भी जानते हैं? हाँ सरकार, आपका हुलिया तब्दील करवाऊंगा, आपकी शेफ बनवाऊंगा, आपको पप्पू बना के लेके जाऊंगा, लेकिन सरकार उस घर में मैं आपका मैनेजर बन के रहूंगा। कौन हूँ मैं आपका? मैनेजर खादिम भाई। मैनेजर खादिम भाई। अबे वाबे, तू तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन तोते की तरह से पढ़ता है। जी। और सुन, आ अगर मेरे साथ तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मेरा नाम खादिम है, मैं प्यार भी करता हूँ और खाल भी खींच लेता हूँ, ये बात याद रखना। ये बात याद रहेगी सरकार, ये जो अभी आखिर में कही है। जी हाँ, इस खाने को छोड़िए, ये आपके शाया निशान नहीं, आपको छुरी कांटे से खाना चाहिए, वो मैं आपको खिलाऊंगा। आइए मेरे साथ, आपका हुलिया बदलवाऊं। जी आइए। वो ये मैं ले लूं? छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। हराम का माल लगता है, काफी रास है आपको। आइए आइए। अब्बा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लिया करो। खाना खाने से पहले हाथ धो लूं, ये सामान से हाथ धो लूं, कोठी से हाथ धो लूं, एक दिन तुम्हें से हाथ ना धो लूं। अब्बू क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। देख रहा हूँ आजकल बहुत माँ का साथ दिया जा रहा है, एक कबाब तेरे लिए नुकसान देता है। चल चल चल, इधर ला मुझे दे कबाब। अबे क्यों रो रहा है यार? भाई तेरा तो कोई आगे पीछे भी नहीं है, क्यों रोया चला जा रहा है? कौन मर गया तेरा? सरकार इस बेइज्जती से तो मौत बेहतर है जो अब होने वाली है।
बेइज्जती, आपकी भी बेइज्जती होने लगी। अरे किसे बेइज्जती किया तुम्हारी? किस्मत ने सरकार, किस्मत ने। वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। अरे शायरी वारी छोड़, सीधी तरह बता क्या हुआ। मगर देख, बख्शिश के बगैर बताना, मैं खाना खाते वक्त किसी को बख्शिश नहीं देता। ठीक है सरकार, मैं आपकी डिमोशन नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा मतलब है, मैं आपकी तनज्जुली बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? देखिए, वो शायर कहता है ना, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कमन कहाँ, दो चार हाथ जबके लबे बाम रह गए। अबे ये बाम बाम छोड़, काम की बात कर, क्यों हमारा खाना आराम कर रहा है। बेगम साहिबा, एक बात कहूं, मैं आपका चाकर बन के नहीं रह सकता है। ये चाकर क्या होता है? आपने कहानियों में पढ़ा होगा ना, नौकर के आगे चाकर। तो तुम्हें चाकर किसने बना दिया? किस्मत ने बीबी। हादिम मसला क्या है, खुलकर बात करो। ठीक है, अब जब बात ओपन ही हो रही है तो सुन लीजिए सरकार, आप नौकर थे, मैं मेरा मतलब है आप मालिक थे, मैं आपका नौकर था, ठीक है ना। और जब अब असली मालिक आ गए हैं तो आप दोबारा नौकर हो गए, मैं आपका चाकर हो गया। मालिक आ गए, क्या बकवास कर रहा है तू? कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। सेठ साहब आ गए हैं, यानी छोटे नवाब साहब आ गए हैं एयरपोर्ट से सीधे वो थाने गए। थाने? बड़ा चीख कर लगा, मैं छड़ांगा नहीं। मैं तो सरकार माफ कर दीजिए, सीधे थाने गए। He wanted to file a suit against you. मेरा मतलब आपके खिलाफ वो पर्चा काटना चाहते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका सरकार, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और बहुत गुस्से में हैं। हो सकता है कि इस घर की बल्कि आपकी ईंट से ही बजा दे। जी और बोल, शहद धो लो, उससे हाथ धो लो, अब नहा लो सब चीजों से। वो यही कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सरकार मैंने उनसे बड़ा रिक्वेस्ट की, बहुत समझाया उनको। मैं तो कहता हूँ अभी वक्त है, इससे पहले को भिन्ना के अंदर आ जाए, आप लोग चल के माफी मांग लीजिए और हिसाब किताब दे दीजिए। खत्म खत्म। जी जी, तू चाहे जितनी बख्शिश ले ले, ठीक, चाहे जितनी। बड़े छोटे सरकार से हमारी बख्शिश करा। सरकार, जो कुछ मैंने आपके लिए किया है, दुनिया में कोई नौकर अपने मालिक के लिए ऐसा नहीं कर सकता। और जो कुछ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, वो या तो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। मैं आपकी कितनी मदद कर रहा हूँ, आप लोग को तो इल्म ही नहीं है। जाकर मिल लो, मैं अकेला। नहीं नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी, आप खुद चले जाए। टाइम वेस्ट मत करें, अगर मगर में अगर उन्होंने एंट्री ले ली तो क्रॉकरी बर्बाद हो जाएगी। इज इन एन एंगर, इज 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 अ फ्लेम। क्या? अच्छा, अरे आग बने हुए। कहीं सोफा ना जल गया? अरे बाप, बड़े सरकार का पुरसा करना है। सरकार तो मालिक का। हां मालिक का, आ जाओ, चलो शाबाश शाबाश। हम तो कमाल बर्बाद हो गए। झूठे झूठे सरकार, सरकार बड़े सरकार के पास हम यतीम हो गए। मक्कारी मक्कारी सरकार, हम तबाह हो गए। मगर हमने आपकी अमानत को बड़े प्यार से रखा है। मगरमच्छ के आंसू। सरकार, हमने आपकी तरह दीवार पर एक लकीर तक नहीं आने दी। ये क्यों रो रहे सरकार? आपके वालिद क़िबला का इंतकाल हो गया था, ये उनके लिए पुरसे के तौर पे रो रहे हैं। ये पुरसे के तौर पे टसवे बाहर है सरकार। रोइए। एक तो सरकार वैसी बहुत दुखी है, अब उनको और रुला रहे सरकार। बस कीजिए सरकार, कुछ भी नहीं सरकार, आज से आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आज से आपके बराबर वाला कमरा मेरा होगा सरकार। आपको जिस काम की भी जरूरत हो, सिर्फ आप आवाज लगाइएगा, खादिम खादिम। बस सरकार,
इस फैमिली के लिए क्या हुक्म है? चिल्लाओ। तुम लोग बहुत पैसा खा चुके हो। अब तुम्हें टका नहीं खाने दूंगा। अब तुम्हें टका नहीं खाने दूंगा। अबे नहीं नहीं, मैं जिंदगी खराब कर दूंगा तुम लोगों की। मैं जिंदगी खराब कर दूंगा तुम लोगों की। आज के बाद सारे मामले का इंचार्ज सिर्फ खादिम भाई है। सिर्फ खादिम भाई है बस। मिस्किनो जी, I think you are fired. मेरा मतलब है आप लोग दो कौड़ी के हो चुके हैं।